सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोएक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द ओन न्यू आईफोन SE 2020 जो कि लॉन्च हो चुका है US के अंदर। साथ ही में जो डिलीवरीज हैं यानी कि शिपमेंट है इसी डिवाइस की वो 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगी उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर यानी कि US UK जैसी कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर इसे आने में फिलहाल टाइम लगेगा। और इसी के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, चाहे वो हो उसके हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, प्राइसिंग से रिलेटेड, या फिर इंडिया के अंदर किस प्राइस पर यही आईफोन SE 2020 लॉन्च होने वाला है, और इन्हीं सब को लेकर के आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इसी आईफोन SE 2020 से। तो इसके नाम को लेकर के पहले से बहुत सारी रूमर्स थी कि ये आईफोन SE 2 होने वाला है या फिर आईफोन 9 होने वाला है, लेकिन ये आईफोन SE ही है। बस इसके पीछे हमें 2020 देखने को मिलेगा, यानी कि ये सेकेंड जनरेशन आईफोन SE है ऐसा हम कह सकते हैं। साथ ही में इसी आईफोन SE 2020 के आने से आईफोन 8 को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, साथ ही में जो आईफोन 8 प्लस है उसको भी डिसकंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इसी सेकेंड जनरेशन SE का हमें प्लस वेरिएंट देखने को मिलेगा यानी कि SE प्लस देखने को मिलेगा या फिर नहीं, ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। और साथ ही में इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन SE के प्लस वेरिएंट को लॉन्च ना करने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि प्लस वेरिएंट के अंदर हमें बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेगी, साथ ही में जो क्लासिकल लुक है वो भी देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को बड़ी स्क्रीन चाहिए वो इजीली आईफोन XR या फिर आईफोन 11 के साथ में जा सकते हैं, और इसी वजह से शायद हमें प्लस वेरिएंट ना देखने को मिले इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन SE का। इसके अलावा कई लोगों को ये भी मिथ था कि एप्पल दोबारा से अपना क्लासिकल लुक वाला कोई भी आईफोन लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें यही आईफोन SE देखने को मिल रहा है बिल्कुल ही क्लासिकल लुक के साथ में। साथ ही में इसके अंदर नोच भी नहीं है और इसके अंदर हमें टच आईडी देखने को मिल रही है सेकेंड जनरेशन की, जो कि एक हैप्टिक टच आईडी है, सिर्फ वाइब्रेट करती है, यानी कि फिजिकल होम बटन देखने की बजाय जो वर्चुअल होम बटन है वो हमें एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, ठीक वैसा ही जो हमें आईफोन 7 और 8 के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन SE की, तो इसके अंदर हमें जो कैमरा देखने को मिलेगा वो हमें पीछे की तरफ 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, यानी कि 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा। और ये कैमरा बिल्कुल ही सेम है आईफोन XR के जैसा, यानी कि आईफोन XR का ही कैमरा इसके अंदर यूज़ हुआ है, लेकिन यही रियर कैमरा आईफोन XR के रियर कैमरा से काफ़ी बेटर है क्योंकि इसके अंदर हमें कई सारे सॉफ्टवेयर फीचर देखने को मिल रहे हैं जो कि आईफोन 11 के अंदर भी है, यानी कि आईफोन 11 के जो कैमरा सॉफ्टवेयर फीचर है वो हमें इसी आईफोन सेकेंड जनरेशन SE 2 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक जो फीचर हमें देखने को नहीं मिल रहा है वो है नाइट मोड, जो कि आईफोन 11 की मेजर हाईलाइट है, बस वही हमें नहीं देखने को मिल रहा है इसी आईफोन SE के अंदर। लेकिन इसी कैमरा के अंदर हमें देखने को मिलेगा डेप्थ कंट्रोल, साथ ही में ये 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 60 FPS यानी कि 60 फ्रेम्स पर सेकेंड्स पर, और साथ ही में काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट भी हमें देखने को मिलेंगे। और अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो इसके अंदर हमें 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर भी हमें कई सारे फीचर देखने को मिल रहे हैं, साथ ही में ये भी कैपेबल है अच्छी खासी पोर्ट्रेट फोटोज प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि कुल मिला के जो कैमरा है इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन SE का वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आईफोन XR के मुकाबले। ये हमें बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा आईफोन 11 के मुकाबले, बस हमें अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन SE के वेट की, तो ये हमें काफ़ी लाइट देखने को मिलेगा, जो कि हमें 148 ग्राम देखने को मिलेगा यानी कि 148 ग्राम्स, और ये काफ़ी लाइटर है क्योंकि आजकल के ज़माने में हमें आराम से 200 ग्राम तक के स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। और आईफोन XR और साथ ही में आईफोन 11 भी दोनों 194 ग्राम्स के हैं, तो इसी वजह से ये काफ़ी लाइटर होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इसी के बिल्ड क्वालिटी की, तो इसके अंदर हमें एल्यूमिनियम और ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी है। और साथ ही में इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन SE के अंदर हमें देखने को मिलेंगे 3 कलर, जो कि है वाइट, ब्लैक और साथ ही में रेड, यानी कि प्रोडक्ट रेड कलर भी हमें देखने को मिलेगा। और जितनी भी रूमर्स थी वो लगभग
ठीक ही थी इसी आईफोन एसई को लेकर के। अगर हम बात करते हैं उन रूमर्स की, तो सबसे पहले कलर्स को लेकर के जो रूमर्स थी वो बिल्कुल कंफर्म हो गई है, यानी कि बिल्कुल ही ठीक थी। साथ ही में क्लासिकल डिज़ाइन को लेकर के रूमर्स थी वो भी बिल्कुल ठीक थी कि क्लासिकल डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगा। साथ ही में सेकेंड जनरेशन कैपेसिटिव टच आईडी देखने को मिलेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा जो और रूमर्स हमें देखने को मिली थी वो थी सिंगल रियर कैमरा को लेकर के, ये भी बिल्कुल ठीक निकली है। इसके अलावा जो रूमर्स थी वो थी हार्डवेयर को लेकर के कि आईफोन 8 का हार्डवेयर यूज़ करने वाला है एप्पल अपने इसी स्मार्टफोन के अंदर, जिसके अंदर हमें 4.7 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक निकली है। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन एसई के हार्डवेयर की, तो इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। तो जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा वो हमें बिल्कुल ही लेटेस्ट देखने को मिलेगा एप्पल की तरफ से, जो कि हमें आईफोन 11 सीरीज के अंदर यानी कि 11 प्रो मैक्स तक भी देखने को मिल रहा है, वही प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा। वो है एप्पल की तरफ से आने वाला A13 बायोनिक चिपसेट, जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है और काफ़ी पावर एफिशिएंट और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला चिपसेट है, और ये काफ़ी कड़ी टक्कर देता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 को, जो कि लेटेस्ट है क्वालकॉम की तरफ से, जो कि हमें एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा यही A13 बायोनिक चिपसेट कई मामलों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 से भी आगे निकल जाता है, तो प्रोसेसर के मामले में बिल्कुल अप टू डेट होने वाला है यही सेकेंड जनरेशन आईफोन एसई। और इसके अंदर जो अपडेट्स हैं, एप्पल की जो पॉलिसी है उसके अंदर हमें 4 से 5 साल तक इजीली अपडेट्स देखने को मिलेंगे, तो अपडेट की भी हमें कोई टेंशन नहीं है एप्पल की तरफ से, जो कि बिल्कुल हमें देखने को मिलेगी फ्यूचर के अंदर, चाहे वो iOS 14 को लेकर के या फिर जितनी भी हमें अपडेट देखने को मिलेगी वो आराम से आ जाएंगी इसी आईफोन एसई के अंदर। साथ ही में इसके अंदर हमें क्लासिकल लुक देखने को मिल रहा है 4.7 इंचेस की रेटिना एचडी डिस्प्ले के साथ में। साथ ही में इसके अंदर हमें टच आईडी भी देखने को मिल रही है सेकेंड जनरेशन की, जो कि हैप्टिक रिस्पॉन्स देने वाली है, काफ़ी सिक्योर है, जो हमें 7 और 8 के अंदर भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो हमें लेटेस्ट वाईफाई 6 देखने को मिलती है, जो कि हमें आईफोन XR के अंदर भी देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही में आउट ऑफ द बॉक्स हमें वाईफाई कॉलिंग जैसी फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन एसई के अंदर। साथ ही में इसके अंदर हमें ओवरऑल ड्यूअल सिम कार्ड सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक सिम है वो हमारी फिजिकल सिम है, साथ ही में दूसरी हमारी ई सिम है वो हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो इस मामले में एप्पल कभी भी ये कंफर्म नहीं करता है और अपनी ऑफिशियल साइट पर भी नहीं बताता है कि कितने हजार mAh की बैटरी हमें देखने को मिलती है, वो जब हमारे पास आता है उसके बाद पता चलता है, यानी कि बॉक्स पर मेंशन होती है वहाँ पता लगता है कि कितने mAh की बैटरी हमें देखने को मिल रही है स्मार्टफोन के अंदर। और एप्पल की ये हमेशा से ही पॉलिसी रही है कि वो जब भी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करता है तो वो या तो अपनी बैटरी का टाइम बताता है कि वीडियो प्लेबैक हमें इतने घंटे का देखने को मिलेगा, या फिर अपने पुराने स्मार्टफोन्स के मुकाबले बताता है कि ये 20% ज़्यादा होने वाली है, 10% ज़्यादा होने वाली है, इतनी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसी को लेकर के हमें पता लगता है कि जो बैटरी स्टैंड बाई हमें देखने को मिलेगी इसी आईफोन एसई के अंदर, वो हमें 12 घंटे तक की स्टैंड बाई देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो चार्जर यानी कि अडेप्टर हमें देखने को मिलेगा इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन एसई का, वो हमें एक 5 वोल्ट का स्लो चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्लो है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है अप टू 18 वोल्ट ऑफ फास्ट चार्जिंग। और अगर बात करते हैं हम इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन एसई की प्राइसिंग की, तो US के अंदर जो प्राइसिंग रखी गई है इसके बेस वेरिएंट की, जिसके अंदर हमें 64GB वेरिएंट देखने को मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो हमें $399 देखने को मिल रही है। और अब के बार हमें 32GB का बेस वेरिएंट नहीं देखने को मिला है इसी क्लासिकल आईफोन एसई के अंदर। और साथ ही में अगर हम बात करते हैं इंडियन प्राइसिंग की, तो इंडियन प्राइसिंग जो रखी गई है फिलहाल इसी आईफोन एसई की, वो हमें ₹42,500 देखने को मिल रही है, लेकिन ये काफ़ी एग्रेसिव नहीं है। साथ ही में कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि काफ़ी एग्रेसिव प्राइस पर इंडिया के अंदर ये लॉन्च होने वाला है। और फिलहाल इंडिया के अंदर कस्टम ड्यूटी और GST भी काफ़ी इंक्रीज कर दी गई है स्मार्टफोन्स के मामले में, तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने को मिल सकता है यही आईफोन एसई। कुल मिला के अगर हम कंक्लूजन के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो ये एक अपग्रेडेड वर्जन है आईफोन XR का। साथ ही में जो स्क्रीन साइज है वो हमें 4.7 इंचेस का देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा कम है आईफोन XR से, लेकिन जो हार्डवेयर है
वो बिल्कुल ही अप टू डेट है आईफोन 11 का। और ये गेमर्स के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है अगर हम बात करते हैं स्क्रीन की, और यही स्क्रीन साइज गेमर्स के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है अगर आप गेमिंग करते हो, तो ये स्क्रीन साइज आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस हमें मिलेगी इसी A13 बायोनिक चिपसेट से वो बिल्कुल ही सुपर्ब होने वाली है। और कैमरा एडवांटेज भी हमें इसी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रही है आईफोन XR के मुकाबले। और अगर हम बात करते हैं इसी सेकेंड जनरेशन आईफोन SE की प्री बुकिंग को लेकर के या फिर प्री ऑर्डर्स को लेकर के, तो वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और US और UK जैसी कंट्रीज के अंदर 24th ऑफ अप्रैल से शिपिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर कब देखने को मिलेगा यही सेकेंड जनरेशन आईफोन SE, तो ये हमें देखने को मिल सकता है मई के शुरुआत में इंडिया के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी के वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ।